हेलो फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म जीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, सामान्य तौर पर हम सभी ये जानते हैं कि हम उसी चीज को बेच पाते हैं जिसे हमने पहले खरीदा हो, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेड करने वालों को ये फैसिलिटी मिली है कि वो पहले बेच कर बाद में खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेड करने का ये तरीका जिसमें पहले सेल करके बाद में खरीदा जाता है, शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। सामान्य तौर पर हमें पहले स्टॉक को कम भाव में खरीदना होता है और बाद में स्टॉक का भाव बढ़ जाने पर उसे ज्यादा भाव में बेचकर फायदा कमाया जाता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में इसके ठीक उल्टा एक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं कि स्टॉक का भाव बढ़ेगा तभी आप फायदा कमाएंगे, बल्कि किसी स्टॉक के भाव गिरने पर भी बहुत अच्छा फायदा कमाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तब आप पहले किसी शेयर या इंडेक्स डेरिवेटिव को बेच सकते हैं। अगर आपके अनुमान के अनुसार मार्केट नीचे जाता है तो जितना नीचे जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, और जब आपका टारगेट मिल जाए तब आप उस शेयर या इंडेक्स डेरिवेटिव को जिसे आपने सेल किया था उसे खरीद कर सौदा स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही शॉर्ट सेलिंग करके कमाने का तरीका है और उतना ही आसान है जितना पहले खरीद कर बाद में बेचने का तरीका। शॉर्ट सेल में प्रॉफिट तभी होगा जब हम स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस को ऊंची कीमत पर सेल करके बाद में जैसे ही भाव गिरे उसे कम कीमत पर खरीद ले। इस तरह से प्रॉफिट इन शॉर्ट सेलिंग इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि ICICI बैंक के शेयर का भाव गिरने वाला है। इसके लिए आपको पहले ICICI बैंक के शेयर को ऊपर की रेट पर बेचना होगा, और जैसे ही ICICI बैंक के शेयर का भाव गिरे उसे लो रेट पर खरीदना होगा। रेट का ये डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके सेल करने के बाद ICICI बैंक के शेयर का रेट अगर बढ़ जाता है तब भी आपको उसे खरीदना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस बुक करके बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ICICI बैंक के 100 शेयर को 400 रुपए के भाव पर पहले बेच दिए। अब ये शेयर इंट्राडे में गिरना शुरू करता है और आप उसे 395 रुपए तक गिरता देखकर खरीद लेते हैं। इस तरह आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 - 395 = 5 प्रति शेयर, यानी 5 रुपए के हिसाब से 5 × 100 = 500 रुपीज होगा। अब ये भी हो सकता है कि आपके 400 रुपए के भाव पर बेचने के बाद शेयर नीचे आने की जगह ऊपर की ओर जाए, तो मार्केट क्लोजिंग के पहले उसका रेट आपके देखते देखते 405 रुपए पहुंच जाए, तब आपको उसे 405 रुपए में खरीद कर अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। इस तरह प्रति शेयर 5 रुपए के हिसाब से 5 × 100 = 500 रुपीज का लॉस आपको सहना होगा। शॉर्ट सेलिंग दो तरह से की जा सकती है। नंबर एक, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग जो कि इक्विटी में होती है। नंबर दो, पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग। इंट्रा शॉर्ट सेलिंग में एक ही दिन में स्टॉक को बेचा और स्टॉक को मार्केट बंद होने से पहले खरीद कर अपने सौदे को कम्प्लीट कर लेना होता है। अगर आप किसी वजह से स्टॉक को पहले शॉर्ट सेल करने के बाद उस सौदे को पूरा नहीं करते हैं, यानी मान लीजिए आपने स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दिया लेकिन उसे खरीदना भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में आपने जिसको स्टॉक बेचा है उसको स्टॉक की डिलीवरी नहीं मिल पाएगी और स्टॉक एक्सचेंज इस सौदे में आपको शॉर्ट सेलिंग का डिफॉल्टर मानते हुए आपके ऊपर बड़ी रकम की फाइन और पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए दोस्तों, ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि जब भी शॉर्ट सेलिंग करें तो ध्यान रखें कि आप सौदे को टाइम के अंदर कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग की जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स अगले कुछ दिनों में नीचे जा सकता है तो आपको उस स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेल करना होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के अनुसार क्वांटिटी में सेल करने की जगह उसका कम से कम एक लॉट सेल करना पड़ेगा, जिसमें मार्जिन सुविधा भी मिलेगी। मार्जिन वो राशि होती है जो ब्रोकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मौजूद रकम का कुछ गुना आपको मुहैया कराता है। इसका मतलब ये है कि आप उधार रकम लेकर शेयर खरीद सकते हैं और अपने शेयर बेचकर उसे वापस कर सकते हैं। आप
फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेल करने पर आपके पास एक्सपायरी डेट तक का टाइम होता है, जो कि महीने का आखिरी गुरुवार होता है। तब तक अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पीरियड के दौरान कभी भी बाय करके अपना सौदा पूरा कर सकते हैं। यहाँ एक बात अच्छी तरह ध्यान रखें, किसी स्टॉक फ्यूचर के लॉट की कीमत 3 से 7 लाख रुपए होती है। अगर स्टॉक के प्राइस में थोड़ा भी चेंज ऊपर की तरफ आया तो आपको बड़ा लॉस दिखने लगेगा। अपने सौदे को कैरी करने के लिए हर दिन उस लॉस को भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आ गई होगी। ये याद रखें कि ये सब वैसे निवेशकों के लिए है जिन्हें बाजार की बहुत ज्यादा समझ होती है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो इन सब चीजों से बचें, लेकिन आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जीरोधा या एडेलवाइस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।